सो लॉट मैनी टाइम्स यू मस्ट हैव सीन आई हैव सेड इन माई वीडियोज़ कि राइनोप्लास्टी के बाद पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं है तो कृपया करके ये सर्जरी ना कराएं, क्योंकि ना आप खुद परेशान होंगे, आप अपने फैमिली को, घर वालों को, सबको परेशान करेंगे। अब ये वीडियो है, इनकी हमने सर्जरी की थी बाइंडर सिंड्रोम के लिए। बाइंडर सिंड्रोम वो रहता है जिसमें नाक दबी रहती है और नाक का टिप जो है ऐसे लगता है नीचे गिर गया है, धंसा हुआ है, जिसे अपर लिप भी फ्लैट लगता है और टिप बिल्कुल वाइड लगती है और जो एला रहते हैं वो फैले हुए रहते हैं। अब इस पर्टिकुलर पेशेंट में हमने इनकी टिप नेचुरली उठाई और जब हमने इनका वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, तो कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जो कैमरामैन लेता है, उनका हाथ टिल्ट हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसमें हल्की सी इनको ऑन टेबल डिविएटेड लगी नोज़। वो फोटोग्राफ देख के ये पेशेंट ना खुद अपसेट हुई, बट इन्होंने जितना क्लिनिक का स्टाफ था सबको कि मेरी नोज़ ऑन टेबल ऐसी लग रही है, मेरे को रिविज़न करानी पड़ेगी, रीडू करानी पड़ेगी, ये बहुत परेशान रही। इनको हमने बहुत समझाया कि ऑन टेबल जो रिज़ल्ट रहता है, कई बार कैमरा के एंगल्स ऐसे रहते हैं कि हो सकता है हल्की सी डिविएटेड लगे, बट विद हीलिंग वो धीरे धीरे सेटल हो जाती है। जैसे ही दोनों साइड की नोज़ की मसल्स में पावर वापस आती है और वो दोनों इक्वली एक्ट करना चाहते हैं, तो इट बिकम्स नॉर्मल एंड इट लुक्स एग्जैक्टली इन द सेंटर, बट वन हैज़ टू वेट फॉर द हीलिंग टू शो अप। सो यू कैन सी इन दीज मैसेजेस हाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन वॉज नॉट ओनली गेटिंग एंशियस फॉर नो रीज़न, बट शी वॉज गेटिंग अपसेट, एंगजाइटी, एंड नॉट ओनली hurting herself but also her family members who were equally bothered by seeing her in an anxious state. So all those people who've got rhinoplasty done, please have trust on your surgeon and let the healing process go through. And after making a nose, kindly wait for 9 months to 1 year for your healing to take place and not be impatient and want the result in just a day. सो आप देख सकते हैं कि 6 महीने के बाद जो इस पेशेंट का रिज़ल्ट आया है, ना ही वो बहुत खूबसूरत है, मगर जो इन्होंने पहले 2-3 महीने वेस्ट किए एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, टेंशन लेने में, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नुकसान इनकी बॉडी को, इनके माइंड को ही हुआ है। 6 महीने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत रिजल्ट आया है, एकदम नेचुरल लग रहा है, एकदम लिफ्टेड टिप लग रही है, एकदम स्ट्रेट डॉर्सल एस्थेटिक लाइन है, एंड द नोज इज लुकिंग सो शार्प, लग ही नहीं रहा कि ये कोई नोज जॉब हुआ है। इट लुक्स जस्ट नेचुरल फॉर हर फेस और पूरे फेस की ब्यूटी बाहर निकल के आ रही है आफ्टर द सर्जरी। For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.